सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दूध का शरबत। दूध का शरबत हम मुहर्रम स्पेशल स्टाइल में बनाएंगे, जिस तरह से अक्सर लोग मुहर्रम पर इस तरह का दूध का शरबत बनाते हैं। तो ये जो शरबत होता है बहुत ही टेस्टी होता है और इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, यानी दूध लिया है, और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। उसके अलावा मैंने ली है 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है ये रू अफ़ज़ा, ये 6 टेबल स्पून है। आप चाहें तो ये लें, आप चाहें तो स्किप कर दें। ये मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ खोपरा, इसको मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और ये जो शरबत होता है ये बहुत थिक नहीं होता, यानी बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हम पहले से ही बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं। तो अगर दूध भी बहुत गाढ़ा लेंगे तो ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया जाता है। तो मैंने आधे कप के करीब पानी लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है केवड़ा वाटर, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आप अपनी पसंद के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने लिए हैं पिस्ते, 2 टेबलस्पून है। इन दोनों पिस्ते और बादाम को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, फिर इनका छिलका उतार के इनको काट लिया है। तो ये 2 टेबलस्पून पिस्ते हैं, 2 ही टेबलस्पून बादाम है, 2 टेबलस्पून काजू है, और 1.5 टेबलस्पून मैंने ली है ये चिरौंजी। इसको भी मैंने धोकर छन्नी में डाल दिया था। दूध के अंदर हम ये पानी भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस पानी के अंदर चीनी का शीरा अलग से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब जो है चीनी बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है, वो खराब नहीं होती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें ही चीनी डाल देंगे। अगर आपकी चीनी ज्यादा साफ नहीं है तो आप इसका शीरा बना के फिर दूध में मिक्स कर दीजिएगा। अब मैं इसका थोड़ा सा बॉयल आने का वेट करती हूँ। तो दूध में बॉयल आ गया है, अब मैं अपनी फ्लेम को लो करती हूँ और इसमें डालूंगी मैं इलायची का पाउडर। मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके दाने मुंह में आते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं। अब मैं डालूंगी चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने रोक ली है। इसको भी मैं इतना मिक्स करूंगी कि इसके अंदर दूध में ये अच्छे से घुल जाए। चीनी घुल गई है, फ्लेम हमारी लो है। अब हम डालेंगे इस शरबत का सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है ये सूखा नारियल जो कि कद्दूकस किया हुआ है। सबसे ज्यादा यही इसके अंदर पसंद किया जाता है, तो पहले मैं ये डाल रही हूँ। फिर मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। चिरौंजी, चिरौंजी को हमेशा धोकर डालना चाहिए, इसके अंदर काफी बार धूल मिट्टी भी होती है। बादाम थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रोक लूंगी। पिस्ते, काजू, सिर्फ एक बॉईल में आने का इनका वेट करूंगी ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। वैसे तो ये भीगे हुए हैं, सॉफ्ट ही हैं। इसमें एक बॉईल आ गया है। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं इसको फ्रीजर में रख के एकदम चिल्ड कर लूंगी। तो दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब मैं डालूंगी इसको एक जग में और इसको मैं चिल्ड होने के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। तो दूध का शरबत हमने फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और रू अफ़ज़ा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा रू अफ़ज़ा नहीं डालते हैं, बस थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, मेरे पास तांबे का कटोरा है जिस पर चांदी की पॉलिश है। तो इसको हम
इसमें सर्व करेंगे और इसको गार्निश करेंगे हम थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये बहुत ही बेहतरीन मजेदार लज्जतदार हमारा दूध का शरबत तैयार हो गया है। तो एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।